नो अबाउट मी, अगर आप नहीं जानते हो तो आप जान जाओगे, बिकॉज आई एम अ जे एन बी स्टूडेंट और आई एम इन ट्वेल्थ क्लास। हमारी ट्वेल्थ स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरी आज की ब्लॉग इसी के ऊपर है, ट्वेल्थ ग्रेडर्स, जे एन बी ट्वेल्थ ग्रेडर्स। एक्चुअली वी आर डिफरेंट गाइज, हाउ यू थिंक हाउ, बिकॉज वी आर इन जे एन बी कैंपस, नॉट अ स्कूल गाइज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइनली होली की छुट्टी के बाद और 11th ख़त्म करने के बाद मैं वापस हॉस्टल आ चुकी हूँ, और एक बारी वापस से मैं रीसेट दे रही, बिकॉज 12th स्टार्ट हो रही है और रीसेट बहुत ज़रूरी थी। तो चलो रीसेट करते हैं अपनी बेड। तो सबसे पहले मैंने अपना बेड ऑर्गेनाइज किया, और मैंने सारी पिलो कवर वगैरह भी चेंज करे, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने समेट रखा था तो डस्ट वगैरह आ गई थी, इसलिए मैंने हर एक चीज़ बारीकी से साफ करी, बिकॉज मुझे हाइजीन रहना थोड़ा पसंद है अपने एनवायरमेंट के मामले में। वो मतलब है कि मैं खुद 2 दिन तक नहीं नहाती, एनीवेज सच बाहर नहीं लाना था गाइस। बेड रीसेट करने के बाद मैंने अपना डस्ट रीसेट करा, यार सब पे इतने डस्ट थी, जब 2-3 हफ्तों के अंदर मुझे लग नहीं रहा था। उसके बाद मैंने अपने ऑर्डर की वापस से री अनबॉक्सिंग करी, बिकॉज सेफली सामान रख के जाना बहुत ज़रूरी है ना हॉस्टल में। तो फिर क्या, मैंने सबको बॉक्स में डाल रखा था और फिर मैं वापस बॉक्स से निकाल रही। तो चलो पहले अरेंज करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। एंड फाइनली मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया। लुक एट दिस माई डेस्क एंड ऑल्सो लुक एट दिस माई बेड। आई एम ग्लैड विथ माई बेड, आई एम ऑब्सेस विथ माई बेड, आई लुकिंग टू मच प्रिटी एंड सेटिस्फाइंग। सो लेट्स गो फॉर बुक इशू, बिकॉज मैंने बताया था हमारे 12th की न्यू सेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो चलो चलते हैं 12th ग्रेड की बुक लेने के लिए। एंड फाइनली वी आर बैक इन हॉस्टल and I feel very productive in this day and very energetic, so let's begin. एंड ये रही मेरी 12th ग्रेड की बुक्स, ये काफ़ी पतली पतली हैं, बट इनकी साइज़ पे मत जाना। हर एक बुक की 2 पार्ट्स हैं, मैथ्स फिजिक्स एंड ऑल बुक्स, वॉट एवर यू यूज़, वी आर यूज़ NCERT बिकॉज वी आर फ्रॉम CBSE बोर्ड स्टूडेंट, बट दिस पेन इज़ नॉट फ्रॉम CBSE, दिस इज़ माई पर्सनल पेन एंड दिस इज़ माई फेवरेट पेन एंड दिस इज़ माई लकीस्ट पेन। तो इसी पेन के साथ चलो अपने सारे बुक पे एक एक करके नाम लिखना शुरू करते हैं। मैंने नाम के साथ साथ अपनी रोल नंबर ही मैंशन करी, बिकॉज ज़रूरी होती है, क्योंकि एक नाम के 2 बच्चे भी हो सकते हैं, बट एक रोल नंबर के 2 बच्चे नहीं हो सकते। सो ऑल्सो मैंशन योर रोल नंबर प्लीज़। तो फटाफट चलो बुक पे नाम लिखना शुरू करते हैं। And finally it's done. और ये रही मेरी होल स्टफ, स्टडी स्टफ, स्टेशनरी स्टफ्स, वॉट एवर यू यूज टू। एंड ये रही मेरी कुछ कॉपीज, स्पाइरल कॉपीज, आई ऑल्सो प्रिफर स्पाइरल कॉपीज बिकॉज आई लव विद दिस। एंड फाइनली मैंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है, तो चलो पहले कुछ 12th क्लास की स्टार्टिंग कर लेते हैं फॉर विथ ऑनलाइन क्लासेज। आई ऑल्सो प्रिफर कि यू यूज़ ऑनलाइन क्लासेज फॉर क्लास 12th बोर्ड्स, अब आपको हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स गो फॉर स्टडी। एंड पढ़ाई करते करते बीच में मेरे को फ़ोन आया कि आपकी ऑर्डर आई है, सो आई रिसीव माई ऑर्डर। सो मैं ऑर्डर लेके आ चुकी हूँ पहले ही, सो लेट्स गो फॉर अनबॉक्सिंग।
and this is my order. This is from Dermoside. So I will show you what's in it. A few moments later. After I unboxed my order, वापस से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी बिकॉज मेरे कुछ बैकलॉग चल रहे हैं तो सो आई विल कवर्ड इट. तो लेट्स गो फॉर स्टडी विथ मी. फाइनली कल से 12th स्टार्ट हो रही है और आज मैंने अपना रीसेट करा ऑल स्टॉक, ऑल स्टेशनरी, एवरीथिंग. सो फाइनली आपने ऐसे पीछे ब्लॉग में देख लिया. अब इसके आगे मैं क्या करूँगी, मैं स्कूल ड्रेस क्या है, और तो जो भी होगी मैं आपको ब्लॉग में अपडेट देती रहूँगी. तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग विथ माई स्कूल यूनिफॉर्म. सो इट्स डन. सो आज के लिए तो बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट मॉर्निंग. आज 12th क्लास का फर्स्ट डे है और देखते हैं क्लास में क्या मस्ती होती है, क्या नहीं होती है. और आज मैंने गलती से वाइट ड्रेस पहनी है, सो जस्ट इग्नोर इट. मैं थोड़ी देर में चेंज करके फिर हम क्लासेस के लिए जाएंगे, बट उसके बाद मैं सूट करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगी. तो सो मैंने सूट अभी ही कर लिया. तो आज पहला दिन क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आप इस ब्लॉग में देख लेना. तो चलो स्कूल चलते हैं. गाइज हम छत पे आ चुके हैं. गाइज क्लास 11th का स्टार्टिंग दिन कुछ ऐसा रहा. हमें आज तक छत देखने को मिला नहीं है. आगे स्वाद. सो हेलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए बाय. ड्यू टू सम रीजन मैंने इसे दो पार्ट में अपलोड करूंगी. पार्ट वन मैं अभी अपलोड कर रही, पार्ट टू के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना. और जब भी अपलोड करूंगी मैं आपको अपडेट देती रहूंगी. अब तक के लिए बाय. होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो. कमेंट में मेरे को बताना सबसे बेस्ट पार्ट कौन लगा, और इसके बाद ही पार्ट टू और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो देखना बिल्कुल मत भूलना. सो बाय, सी यू सून.